कड़वली मई। इस सदन में ऐसे बहुत ही अनुभव और विद्वान लोग बैठे थे कि उन्होंने शासन व्यवस्था में कभी भी निरंकुशता नहीं आने दी। शासन में बैठे हुए लोगों को सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करने के कठोर काम इसी सदन में हुए हैं। ये इन्हें कितनी बड़ी सेवा हुई है इसका हम गर्व कर सकते हैं और ये हम सबके लिए स्मरणीय है। आदरणीय सभापति जी, हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इस सदन के संबंध में जो बात कही थी मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा था, इसी चेयर पर बैठ करके उन्होंने कहा था और वो आज भी उतना ही उपयुक्त है। और आप प्रणब मुखर्जी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी के बात को उल्लेख करते हो या आप स्वयं अपना दर्द व्यक्त करते हो, ये सारी बातें उसमें है। और उस समय राधाकृष्णन जी ने कहा था, हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारी सोच ही दो सदनों वाली हमारी संसदीय प्रणाली के औचित्य को साबित करेगी। संविधान का हिस्सा बनी इस द्विसदनीय व्यवस्था की परीक्षा हमारे कामों से होगी। हम पहली बार अपनी संसदीय प्रणाली में दो सदनों की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी सोच, सामर्थ्य और समझ से देश को इस व्यवस्था का औचित्य साबित करें। 250 सत्र की यात्रा के बाद, अनुभव का इतना संपूर्ण होने के बाद, वर्तमान की और आने वाली पीढ़ियों की दायित्व तो और बढ़ जाता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जो अपेक्षा की थी कहीं हम उससे नीचे तो नहीं जा रहे हैं, क्या हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं या बदलते हुए युग में हम उन अपेक्षाओं को भी और अच्छा वैल्यूएडिशन कर रहे हैं, ये सोचने का समय है। और मुझे विश्वास है कि सदन की वर्तमान पीढ़ी भी और आने वाली पीढ़ी भी डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अपेक्षाओं करती रहे।